आज की महिलाएं इन विरोधियों की हवा निकालने में लग गई हैं। ये महिलाएं देश की तरक्की के लिए मोदी के पीएम बनने की दुआ मांग रही हैं। साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए राखी उन्होंने भेजी है। मामला यूपी के वाराणसी का है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर इस शहर में मोदी इस तरह छाए हुए हैं कि लोग उन्हें एक मौका देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि मोदी के पीएम बनने पर हालात में सुधार होगा। नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम बनेंगे तो वो जरूर मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करेंगे और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत है मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की। यहाँ पे इकट्ठा हुए और नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआ की है कि वो यहाँ के वजीर आजम बने, ताकि जैसे उन्होंने पूरे गुजरात की सूरत बदल दी, उस तरीके से वो जब मंत्री बनेंगे यहाँ पर तो वो पूरे भारत की सूरत बदल